लगने की घोषणा के बाद व्यापारी कालाबाजारी और जमाखोरी में जुट गए हैं। लॉकडाउन के नियमों का हवाला देते हुए ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के कई व्यापारी जरूरी सामान सामग्री और तंबाकू उत्पाद को तय रेट से ज्यादा में बेच रहे हैं। वहीं प्रशासन की उदासीनता के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते कोरोना संकट में पहले से ग्रस्त हो चुके लोग अब जेब पर दबाव पड़ने से परेशान हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर पीएस एलमा ने 22 जुलाई से 28 जुलाई तक जिले में लॉकडाउन का ऐलान किया है। इधर के मुंगेली जिले में वर्तमान समय में कुल 136 संक्रमित मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 13 एक्टिव केस रह गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला कलेक्टरों को लॉकडाउन का निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंप दी है। फिलहाल मुंगेली जिले में अभी लॉकडाउन नहीं किया गया है, लेकिन व्यापारी जो है कालाबाजारी और ओवर रेटिंग का जो खेल है वो लगातार करते आ रहे हैं और इसकी शुरुआत हो गई है। यही वजह कि ग्राहकों को और आम लोगों को इसके चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारियों को इस ओर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि कालाबाजारी और ओवर रेटिंग करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली।